son. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 कृष्णा खेलने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढता रहता है, तो उसे अब ये कुछ मिल गया है, पता नहीं क्या है, शायद प्लम्बिंग के सामान से बचा हुआ है। बताना भाई आपको इसका नाम पता हो तो इसमें बिजी है फिलहाल कृष्णा। किससे खेल रहा है कृष्णा? तो कृष्णा तो अभी तो पूरी तरह बिजी है, थोड़ी देर पहले रो रहा था। बच्चों के लिए कोई भी खेलने की चीज़ थोड़ी देर में पुरानी हो जाती है, उससे बोर हो जाते हैं, तो फिर जो भी कुछ नए हाथ में आता है उससे खेलना शुरू कर देते हैं। देखो ये मिल गया भाई, प्लम्बिंग का सामान है, इसे है ना कृष्णा? तो भी पूरी तरह से बिजी है, हर चीज़ से बोर हो जाते हैं बच्चे। आपने देखा होगा ना, जिनके माँ बाप छोटे बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप खिलौने लाते रहते हैं और पूरा घर खिलौनों से भरा रहता है, तो थोड़ी देर खेलते हैं, एक आध दिन खेलते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ में अपना खेल ढूंढ लेते हैं जिसमें कि जो कि आप भी नहीं समझ पाएंगे भाई इसमें खेलने की चीज़ क्या है। तो भी खेलने के लिए ये है। अब हम तो पूरा घर खिलौनों से बने सकते, जो भी इसे मिलता है खेलना शुरू कर देते हैं, है ना कृष्णा? कृष्णा तो फिलहाल इससे खेल रहा है। कभी इसे रिमोट मिल जाता है, अब देखो रिमोट मिल गया, कुछ ना कुछ नया खिलौना बनाता रहता है। देखिए अभी रिमोट मिल गया है, पूरा अपने आप को उलझा लिया है इसने। और उसकी गुब्बारे वालों की बिक्री हो रही है भाई, गुब्बारे बिक रहे हैं। कल भी पतंगों के लिए लाइन दिखाई थी, भीड़ दिखाई थी, आज उससे आज का यह प्रोग्राम हमारा ग्राम देवता है, ग्राम खेड़ा भी बोलते हैं उसको। हम हर वर्ष इसके ऊपर भंडारे का आयोजन करता है ताकि गांव में बस्ती में सब सुख समृद्धि रहे। अब की बार कुछ हमने थोड़ा बड़े लेवल पे किया है, इसमें हमने अपने 70 हमारे गांव हैं वो भी इन्वाइट किए हैं, और बाहर से भी हमने काफ़ी लोग बाग यहाँ आमंत्रित किए हैं। साथ ही हमने यह भी प्रयास किया है कि जो बाहर गांव से महानुभाव आए उनका हम स्वागत भी करें, इसलिए हमने उनको पगड़ी पहनाकर वह कालिका माई की फोटो देकर सम्मानित किया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे गांव बस्ती में हमारे ग्राम देवता सुख शांति हो। अभिषेक आए हुए हैं तो इनको पगड़ी बांधेगी। अभिषेक दत्त यहाँ के काउंसलर है और कांग्रेस लीडर है। अभिषेक दत्त और गढ़ी गांव के लोग हैं। पगड़ी बांध रहे गांव के लोगों को। पगड़ी बांध के सम्मान दिया जाता है हमारे यहाँ, जब भी हमारे यहाँ के किसी गांव में जाते हैं खास किसी इवेंट पर। लोग हैं जो अभी गढ़ी में इवेंट में आए हुए हैं। तो पीछे महावीर भाई है और खबरदार जी हैं। तो ये कुछ धनिया वगैरह धरी गई है, मुझे कुछ खास मालूम नहीं, किसी से पूछेंगे कैसा इवेंट है। थैंक यू जी। और लिया। एक मुझे तो यार तो अभी प्रसाद ग्रहण चल रहा है। गांव के लोग सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठे हो गए हैं, बुजुर्ग क्या जवान भी है, और काउंसलर रमेश पहलवान भी है, और राजकुमार भाई है, और भी गांव के लोग हैं। तो गढ़ी से वापस आ चुके हैं, ये तस्वीर दी है और साफा बांध सामान के रूप में। बेकार है वो, बैठ वाली सही होती है ना, ये बैठ वाली सही ना, बैठ सो की थी।